बताऊंगा। तो ये रहा, तो पहला शक्ति जो है वो अश्विनी नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे 27 नक्षत्र होते हैं, उसी के बेसिस पे 27 शक्तियां होती हैं। पहला शक्ति है शीघ्र व्यापनी शक्ति। इस शक्ति से जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आपके माइंड में गोल है, वो आप आसानी से आप उसको रीच कर सकते हो। और इस शक्ति से अगर किसी को कोई डिजीज है, कोई रोग है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। सो जनरली ये नक्षत्र डॉक्टरों का और उन लोगों का रहता है जिनके पास ऐसे उनके हाथ में जादू होता है जिससे वो लोग को ठीक कर सकते हैं। और इवन कार ड्राइवर्स और रेस कार जो चलाते हैं उनके पास नेचुरली ये शक्ति होती है। दूसरी है अपभरणी शक्ति। इस शक्ति से आप समाधि में जा सकते हो, तपस्या कर सकते हो, क्योंकि इससे आप बॉडी से निकल सकते हो, टू टेक थिंग्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तीसरी है दहना शक्ति। दहना मतलब बर्निंग। सो यज्ञ यज्ञ जो करते हैं, या जो इस दुनिया के बुराइयों को खत्म करने का कोशिश करते हैं, उनके अंदर ये दहना शक्ति होता है। फिर नेक्स्ट रोहण शक्ति। रोहण शक्ति रोहिणी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण का भी मेन रोहिणी का ही है। इस रोहिणी नक्षत्र का जो पावर है वो रोहणा है। रोहणा मतलब ग्रोथ, इसलिए उनके इतने सारे बीवियां, बच्चे, ग्रैंडसन्स, कंटिन्यूस ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। फिर नेक्स्ट है अमृत का शक्ति, जिसको हम प्रेरणा शक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये मृगशिरा नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हुआ यत्न शक्ति। यत्न शक्ति मतलब आप एफर्ट कर रहे हो, जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता को पकड़ के पुलिस जब एक कोई मर्डरर को ढूंढता है तो वो यत्न शक्ति हुआ। इट इज लाइक हंटिंग एंड सर्चिंग, मतलब कोई क्लू ढूंढने के लिए जब आप इधर उधर भागते हो तब आप एफर्ट डाल रहे हो, वो है यत्न शक्ति। यत्न शक्ति अगर कम है तो लोग कोई एफर्ट डालेंगे ही नहीं। जैसे कि मुक्ति पाना है, मुझे मुक्ति पाना है, तो मैं अगर यत्न करूंगा ही नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। फिर हो गया वसुत्व प्रापण शक्ति, ये पैसा देने का शक्ति है। फिर ब्रह्म वर्चस्व शक्ति, विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप तपस्या कर रहे हो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विष आश्लेषण शक्ति। विष आश्लेषण मतलब किसी को खत्म करना है, किसी ओपोनेंट को खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल के ग्रह कुंडली में चार प्लैनेट इस विष आश्लेषण शक्ति मतलब आश्लेष नक्षत्र में। फिर त्यागे क्षेपण शक्ति, दिस इज अगेन रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, मकर नक्षत्र से रिलेटेड है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तब, या एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, ये त्यागे क्षेपण शक्ति चाहिए। फिर पूर्व फाल्गुनी प्रजानन शक्ति, ये भी रोमांटिक शक्ति है जो शाहरुख खान के अंदर है या सलमान के अंदर है। ठीक है, फिर चयनी शक्ति जो पार्टनरशिप का शक्ति है। तो दो पार्टनर मिलके जब बिजनेस करते हैं या शादी करने के बाद पैसा आता है, वो चयनी शक्ति। फिर हस्त स्थापनीय आगम शक्ति, ये अगेन अश्विनी की तरह हीलर का शक्ति है, हैंड का सिंबल है। काफी लोग हैंड यूज करते हैं, जैसे कांग्रेस का हैंड यूज करता है लोगों को बुद्धू बनाने के लिए। फिर चित्रा नक्षत्र का पुण्य चयनी शक्ति। पुण्य चयनी मतलब गुड कर्मा। सो गुड कर्मा बैड कर्मा के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इवन बहुत सारे पाखंडी गुरुस भी ये गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि गुड और बैड को बैलेंस करना पड़ता है, गुड कर्मा को बैड कर्मा को। ऐसा कुछ नहीं है, गुड कर्मा आपका हर समय जाके एक जगह स्टोर होता है, फिफ्थ डायमेंशन में, आपके स्पिरिट बॉडी के अंदर, और सिर्फ आपको बैड कर्मा को ओवरकम करना है। गुड कर्मा बैड कर्मा को बैलेंस करना है, गुड किया है तो इसलिए बैड करना है। नॉनसेंस थ्योरी के बारे में मैं कभी और बताऊंगा।
प्रथम सशक्ति, मतलब नाम वाम या बहुत सारे जगह आपका आपको जाना है, तो ये चाहिए वायु की तरह, क्योंकि स्वाति वायु के साथ। फिर व्यापना शक्ति, लॉन्ग टर्म फ्रूट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए विशाखा नक्षत्र। फिर अनुराधा का राधना शक्ति है, पावर ऑफ वर्शिप है। फिर ज्येष्ठ हो गया आरोहण शक्ति, दिस इज द शक्ति टू एक्चुअली फाइट एनिमीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमीज, कोई इल्यूमिनेटी हो गया, कोई हो गया, सच बोलने का शक्ति बेसिकली, ठीक है। फिर मूला नक्षत्र का भरण शक्ति, बरहना मतलब डिस्ट्रक्शन। तो ये मैंने 2 बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट में जाने के लिए मैं कार में बैठा, कार का टायर पंचर, फिर हाँ आग आने लगा, ये हुआ, ट्रैफिक जाम हो गया, नहीं ट्रैफिक जाम नहीं, वो ड्राइवर गलत टर्मिनल पे ले गया, वो मूला नक्षत्र था उस दिन। और एक बार मेरे को, मेरा जब पैर टूटा था तब भी मूला था। पूर्वाषाढ़ा, ये वर्षो ग्रहण शक्ति है, ये मेरा नक्षत्र है। वर्षो ग्रहण शक्ति का मतलब है कि जो भी मरा हुआ है उसको जिंदा करने का शक्ति, या जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है खत्म हो गया उसको ठीक करने का शक्ति, तो ये शुक्राचार्य का शक्ति है। क्या मैं दानवों का गुरु हूं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो शक्ति मेरे अंदर है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मरे हुए लोगों को जीवित कर सकता हूँ, उतनी शक्ति अभी मुझे नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में है और कोई इसमें है तो मैं उनको कुछ एडवाइस देकर उनको बता सकता हूँ कि कैसे उसको रिवाइव कर सकते, उतना ही, छोटा सा, ज्यादा नहीं। फिर उत्तराषाढ़ा, विश्वदेवा, अप्रदृश्य शक्ति, ये जस्ट ज्यादा ज्यादातर बॉक्सर्स फाइटर्स का होता है, अनस्टॉपेबल विक्ट्री, जिसका भी क्रिकेटर का अगर ये शक्ति है तो वो उसको कोई हरा नहीं सकता। फिर श्रवण का संहनन शक्ति, इट इज अ शक्ति ऑफ कनेक्शन, मास मीडिया, टीवी, तो ये इसी इसी शक्ति को इल्यूमिनेटी और टीवी, न्यूज मीडिया सब यूज करते हैं, संहनन शक्ति। यूट्यूब भी संहनन शक्ति। धनिष्ठा, क्या पाए पायत्री शक्ति, दिस इज और नेम एंड फेम, नेम एंड फेम के लिए ये चाहिए, क्या पायत्री। फिर शतभिषा भेषज शक्ति, विच इज रिलेटेड टू हीलिंग अगेन। फिर पूर्वभद्र का यजमान उद्यमन शक्ति, ये कुंडलनी शक्ति को जगाने का शक्ति है। फिर उत्तराभाद्र का वर्षोद्यमन शक्ति, इस शक्ति से आप बारिश गिरा सकते हैं, किसी का भी उत्तराभाद्र है या कोई भी ग्रह उत्तराभाद्र, नॉट ओनली चंद्रमा, कोई भी ग्रह उत्तराभाद्र में तो वो बारिश गिराने का उसके पास शक्ति हो सकता है, उसको बस उसको जगाना है। फिर सिमिलरली रेवती का क्षिप्रदायिनी शक्ति, ये बहुत पैसा कमाने का, लोगों को देखभाल करने का ये शक्ति, ठीक है। धन्यवाद।